दोस्तों सरकार का आया है बड़ा फैसला। एंसेस्ट्रल संपत्ति में नए अधिकार हुए हैं। प्रॉपर्टी लॉस के बारे में आज हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों हम आपको बता दें, सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है प्रॉपर्टी के लिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब के परदादा की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें जो है कि उसके बाप का हिस्सा आता है, परदादा के जो है कि प्रॉपर्टी में उसके बेटे का हिस्सा, फिर उसके बेटे का हिस्सा, फिर उसकी जो है कि संतान का हिस्सा, इसी को कहते हैं। जो परदादा की प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव आ गया है, सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फैसला हो गया है 2005 में। इसमें सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो है कि आज भी जो है कि जिसकी आज जो संपत्ति, आज जो है कि संतान है, जैसे कि जो है कि आपके जो है कि परदादा है उनकी कोई संपत्ति है, उसके अंदर जो है कि आपके दादा का जो है कि हक था, उसके बाद जो है कि दोस्तों आपके पिताजी का जो है कि दोस्तों उस पर जो है कि सही अधिकार हो गया, फिर जो है कि आप लोगों का हो गया, अब आपके जितने भी भाई बहन हैं उन लोगों का हो गया। हम आपको बता दें दोस्तों, ये होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसके अंदर सब लोगों का जो है कि अधिकार होता है, सब लोगों का जो है कि हिस्सा होता है। अब जो है कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर जो है कि दोस्तों उसको किसी ने विल लिख दिया, जैसे कि दोस्तों अगर परदादा के बेटे मतलब आपके दादा ने अगर कोई विल लिख दिया है जिसमें लिखा है कि मेरी जो है कि प्रॉपर्टी ये सारी के सारी मेरे जो है कि बेटा, मेरे बेटे के लिए है, तो सारी प्रॉपर्टी जो है कि वो एंसेस्ट्रल में से निकल जाएगी और वो सिर्फ जो है कि उसके बेटे की हो जाएगी, और उसके अंदर उसके संतान की कोई भी हक नहीं है, सिर्फ उस बेटे का ही हक होता है। अब जो है कि अगर उस जो है कि बेटे ने अपने जो है कि संतान के नाम जो है कि विल लिख दी, तो वो फिर जो है कि प्रॉपर्टी वो संतान के नाम हो जाएगी और दूसरे किसी को भी नहीं मिलेगी। ऐसे होता है दोस्तों, विल लिखने के बाद जो है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है कि चेंज हो जाती है, जिसके नाम जो है कि विल लिखी जाती है उसी के नाम जो है कि वो प्रॉपर्टी हो जाती है, फिर वो एंसेस्ट्रल में से निकल जाती है। अब मैं आपको बता दूं, सरकार ने 2005 में बहुत बड़ा जो फैसला लिया है वो ये है दोस्तों कि लड़की को भी जो है कि लड़के के बराबर अधिकार दिया जाएगा। मतलब अगर जो है कि दोस्तों जितना जो है कि हिस्सा, जितना जो है कि संपत्ति में जितना टुकड़ा जो है कि लड़के को मिलेगा, उतना ही हिस्सा जो है कि अपने लड़की को भी दिया जाएगा। ऐसे जो है कि अधिकार दिया गया है सरकार ने, इस नियम में बदलाव किया गया है। पहले लेकिन ऐसा नहीं था, पहले लड़की को जो है कि उसका बहुत ही कम हिस्सा दिया जाता था, मगर अभी बराबरी का हिस्सा दिया जाएगा लड़की को भी, और लड़की भी जो है कि उसके लिए लड़ सकती है, उसके लिए जो है कि कोर्ट में भी जो है कि अपना जो है अधिकार मांग सकती है, इसका जो है कि पूरा अधिकार है उसे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे कि मतलब आपके परदादा ने कोई जो है कि मकान छोड़ दिया है जो कि आपके लिए, मतलब उसके अंदर अगर चार जो है कि कमरे हैं, और अगर जो है कि आपके जो है कि चार जो है कि संतान हैं, तो उन चारों को एक एक जो है कि बराबरी का जो है कि उसके अंदर जो है कि हिस्सा मिल जाएगा। ऐसे होता है जो है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। जी हाँ दोस्तों, अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर सब लोगों का जो है कि हिस्सा उसके अंदर आ जाएगा। जी हाँ, लेकिन अगर जो है कि दोस्तों वो विल लिखी हुई प्रॉपर्टी है, अगर उसके दोस्तों उसके जो है कि दादा ने सिर्फ जो है कि एक ही कोई बच्चे के नाम पर जो है कि अगर वो पूरा घर लिख दिया, तो दोस्तों वो पूरा घर जो है कि उस एक ही के नाम पे हो जाएगा, बाकी कोई संतान जो है कि उसके अंदर कोई अधिकार नहीं रख सकती। इस बात का ध्यान रखिए। ये होती है सभी दोस्तों एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और विल प्रॉपर्टी में जो है कि इतना बड़ा अंतर है।